मीन्स एनी एंटरप्राइज विच इज ओन्ड मैनेज्ड एंड कंट्रोल्ड बाय गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, राइट? दोज एंटरप्राइज विच आर ओन्ड ऑपरेटेड एंड कंट्रोल्ड बाय द गवर्नमेंट इज कॉल्ड पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज. Now the characteristics of public sector. First one is establishment of basic industries. The basic objective of setting up public sector enterprise is to provide basic infrastructure for a speedy industrialization for which huge investment is needed. Immediately after independence, it was impossible for private enterprises to invest such huge amounts. Basic industries require huge investment in the initial stage, but returns in initial years will be low, and hence private sector is not invested in ownership of heavy industries. Government invest in such industries and make it possible to achieve faster rate of growth. Obvious है, कोई भी private company है, उसका main motive क्या होता है? Profit maximization का होता है, right? So कोई private company है, अगर वो heavy industries में invest करेगी तो उससे जो इनिशियल ईयर्स है उसमें तो इतना प्रॉफिट नहीं होगा, मे बी लॉस भी होगा. तो अगर ज़्यादा लॉस हो गया या फिर कुछ प्रॉफिट ना हुआ इनिशियल ईयर्स में, तो गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट अंडरटेकिंग वो कंपनी है, अगर गवर्नमेंट इन्वेस्ट करती है तो वो बेयर कर सकेगी, राइट? सो प्राइवेट सेक्टर इज नॉट इन्वेस्टेड इन ओनरशिप ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज. Government invests in such industries and makes it possible to achieve faster rate of growth. So, first characteristics is establishment of basic industries. Then second one is elimination of monopoly. What is monopoly? Monopoly means market mein aapka koi competitor na ho. Ek hi company hai, wohi सेल करती है और सबको उसके पास से ही परचेस करना पड़ता है. सो उसकी मोनोपोली होती है, उसका कोई और कॉम्पिटिटर नहीं होता. सो इलिमिनेशन ऑफ मोनोपोली, व्हेन गवर्नमेंट ओन्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट मोनोपोली वैनिश. अगर गवर्नमेंट की खुद की इंडस्ट्रीज होती है तो प्राइवेट कंपनी कोई मार्केट में मोनोपोली की सिचुएशन नहीं ला सकती, राइट? थर्ड वन इज बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट, राइट? बैलेंस्ड रीजनल डेवलपमेंट. प्राइवेट एंटरप्राइजेस आर नॉट इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग इन बैकवर्ड एरियाज एंड गवर्नमेंट कैन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपिंग बैकवर्ड एरियाज, राइट? फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट इन्वेस्टेड इन Rourkela, Bokaro, Bhilai, etc. in iron and steel industries and developed such backward areas. Obviously, private industries जितनी है वो backward areas के development करने में वो interested नहीं होती, क्योंकि उसका main motive profit maximization का होता है, right? But government है, उसका motive क्या होता है कि backward area है उसमें भी development हो. After 1991 है तो फिर आपने ऐसा आपको ऐसा सुना होगा कि आफ्टर 1991 काफ़ी ऐसे एरिया है जो बैकवर्ड एरिया थे, वहाँ पे नई नई इंडस्ट्रीज हुई. फॉर एग्जांपल, कच्छ है, गुजरात में जो कच्छ है वहाँ पे इतनी इंडस्ट्रीज नहीं थी, इतना डेवलपमेंट नहीं था, पर रिसेंटली काफ़ी इयर्स में काफ़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे एस्टेब्लिश हुई, जिसकी वजह से वहाँ का जो बैकवर्ड एरिया है वहाँ डेवलपमेंट हुआ. फिर रिलायंस इंडस्ट्रीज है इन जामनगर, राइट? सो ऐसे काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज है जहाँ पे ऐसा होता है. फिर ओखा में है टाटा इंडस्ट्रीज, राइट? सो इसी तरह से बैकवर्ड एरिया का डेवलपमेंट करने के लिए गवर्नमेंट है वो इनिशिएट कर सकती है, जबकि प्राइवेट इंडस्ट्रीज नहीं करती, राइट? सभी जितने भी सिटीज है, जितने भी अलग अलग एरिया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए और उसका डेवलपमेंट के लिए वहाँ पे कुछ ना कुछ तो होता ही है. कुछ ना कुछ इंडस्ट्रीज तो वहाँ पे एस्टेब्लिश की हुई होती है, कोई ना कोई एंटरप्रेनर है वो ऐसा काम करते हैं, राइट? नाउ ऑब्जेक्टिव ऑफ सोशल वेलफेयर.
Generally, the objective of private sector is to maximize profit, while public sector aims at achieving social welfare along with maximizing profit. Not only social welfare, with profit maximization. Right? All sections of society receive benefits from public sector without any discrimination. By speeding up industrialization, basic industries are set up, and through that the entire society will attain welfare. So I already explained you कि प्राइवेट सेक्टर का जो मोटिव है वो मैक्सिमाइजेशन ऑफ प्रॉफिट होता है, जबकि पब्लिक सेक्टर का मोटिव है वो सोशल वेलफेयर के साथ मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिट है. सो इसकी वजह से पब्लिक सेक्टर है वो प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा सोशल वेलफेयर पर कंसंट्रेट कर सकती है. राइट. Then low level of profit. Public sector provides services at very low level of profit. In the early years, even if public sector incurred losses, government has accepted. But after 1991, policy changed led to an expectation that public sector should also earn normal profit. Right? After 1991 के बाद policy में क्या change लाया गया कि public sector को भी स्टार्टिंग में नॉर्मल प्रॉफिट तो ऑन करना ही चाहिए. राइट. सो देर आर फाइव कैरेक्टरिस्टिक्स विच आई डिस्कस विथ यू. देन सिक्स्थ वन इज मेंटेनेंस ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. पब्लिक सेक्टर इज मोर सुटेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द नेशनल इंटरेस्ट. For example, the production of defense equipment is done by the government. Country के protection के लिए जो भी industries है, जैसे कि defense के equipment है, तो वो है वो always government undertaking में होते हैं, तो वो public sector में ही होते हैं. Right? Now, seventh one is generation of employment opportunities. Developing country like India, which is highly populated, should have priority for employment generation. When investment of public sector increases, related industries also develop, and that leads to employment generation. Obviously, India is a highly populated country, so यहाँ पे employment है, उसका problem हमेशा रहता है. So अगर इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर जैसे जैसे इंक्रीज होगा वैसे वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ज़्यादा होगा, और उस हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्री है इंडिया उसका डेवलपमेंट हो सकेगा. राइट. देन एट्थ इज इंक्रीज इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. Every country needs economic development. Public sector industries create a base for further industrialization. This will further increase economic development. Right? Then ninth one is social and economic justice. The management of public sector is in the hands of the government, and hence the implementation of government policies becomes essential. Hence we see positive trend of providing free or concessional service, job security, improving job conditions, labor laws, etc. are fully followed. Priority to women is also given, right? So this all helps public sector to provide social justice in a better way. पब्लिक सेक्टर में गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज है वो सब फॉलो की जाती है. सो उसकी वजह से सब लेबर लॉज फॉलो होते हैं. उसको कितनी लीव मिलेगी या फिर उसकी सैलरी के रूल्स वो सब, और वुमेन को भी प्रायोरिटी दी जाती है. सो ये सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस के लिए अच्छा है. और आप सबको पता होगा कि सब प्राइवेट में जॉब करना प्रीफर नहीं करते. क्यों नहीं करते? क्योंकि वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी नहीं होती. राइट. और कोई लेबर लॉ के रूल फॉलो नहीं होते. सो सब पब्लिक सेक्टर में ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उसमें ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं. राइट. देन टेंथ इज आइडियल वेजेस एंड फैसिलिटीज़ फॉर एम्प्लॉयज़.
As the ownership of public sector rests with the government, they pay decent wages to the workers. I already explained you. We can see better facilities given to employees of public sector as against private sector employees and strives to become an ideal employer. I think it is clear, all of you. Now, types of public sector. There are three types of public sector: government department, public corporation, and government companies. First one is government department. You can see clearly in this picture which departments are considered in government department. That is labor, energy, defense, research, health, agriculture, commerce, security, transportation, justice. These all are government departments. Government always handles its various functions through different departments. Any public sector managed by the government is known as government department. Public sector unit is managed by government authority and all workers are treated as government employees. Government departments are either managed by central or state government, and hence the rules and regulations of central or state government are be applicable. For example, postal department hai, right? We will discuss examples of government department, public corporations and government companies after explaining public corporation and government companies. Now, the characteristics of government department. First features is financial allocation. Government departments get financial allocation through the government budget. Their incomes are deposited in government treasury. Obviously, jo bhi income hogi wo government treasury mein income hai wo deposit ki jayegi. Then maintenance of account. The maintenance of accounts of government department is done by the respective department and its audit is done by CAG, that is the Comptroller and Auditor General. Third one is appointment of employees. The employees of the government departments are considered as government employees and hence their appointment and service conditions are the same as any other government employee. Employees ki jo appointment hai wo kon karta hai? Government department karte hai. Hence their appointment and service condition are the same as any other government employees. So, first one is financial allocation, second maintenance of account, third appointment of employees. Fourth, government management and control. The management of government department and their control is directly through the minister concerned and through civil service officers. Okay. Then fifth one is responsibility. All responsibilities lies with the departmental minister and they are directly accountable to the parliament or legislative assembly. जितने भी अलग अलग जो भी डिपार्टमेंट है उसके मिनिस्टर होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस डिपार्टमेंट में जो कुछ भी हो. ठीक है. सो ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लाइज विद द डिपार्टमेंट मिनिस्टर एंड दे आर डायरेक्टली अकाउंटेबल टू द पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली. राइट. नाउ पब्लिक कॉरपोरेशन. In simple words, we can say that public corporation is that which comes into existence through a special act or either the parliament or legislative assembly. In this act, corporations' authorities, duties, rights, responsibilities, service rules, etc. for employees and relationship with government department is mentioned. That is Life Insurance Corporation of India, LIC. Right? You all know about that. Then Food Corporation of India, FCI. Then Gujarat State Textbook Board. ये सब क्या है? Public Corporation है.
Now, the characteristics of public corporation. First one is establishment. The establishment and management of public corporation is through a special act of the parliament or the legislative assembly. In this act, all objectives, powers, responsibilities and special facilities to public corporation are stated. Then ownership. The ownership is either with the central or the state government or with both. Government decide the financial responsibility and profit sharing of this corporation. The burden of loss is naturally borne by the government. Financial responsibility or jo profit sharing hai, wo sab kaun decide karega? Government decide karegi. Right? Aur jo loss ka burden hai, wo kiske upar aayega? Government ke upar. Par ye ek type ka, ek authority ko ye sab दिया जाता है कि आप ये सब संभालो, बट ये सब आफ्टर ऑल तो सब गवर्नमेंट के अंडर में ही होता है. देन थर्ड वन इज कैपिटल एक्यूमुलेशन थ्रू गवर्नमेंट. गवर्नमेंट प्रोवाइड्स कैपिटल टू दिस कॉर्पोरेशन. दे कैन ऑल्सो बोरो कैपिटल फ्रॉम द गवर्नमेंट और द पब्लिक इफ नीडेड. ओके. देन सेपरेट आइडेंटिटी. Public corporation has legal identity and it can command all the facilities structure like any other company. ये एक legal identity है और दूसरे जितनी भी company है उसकी तरह भी उसका भी structure ऐसा ही होता है और उसी तरह उसे भी facilities सब होती है. Now managerial autonomy. Ownership of public corporation lies with the government. Still it has complete autonomy. Autonomy means independence, right? The minister does not interfere in the day-to-day activities. The corporation gets enough freedom to take decisions and to implement them. Okay? Now, service rule. The employees of public corporations are not bound by the service rules of the government employees. The job rules of the employees of corporation are determined by the concerned corporation and accordingly the employees will have to perform duties. Many times government officers are sent on deputation on manage this corporation. Like now seventh is management through board of directors. The board of directors manage the working of the public corporation. The government appoints the board of directors from celebrities, eminent personalities, prominent industrial experts, professionals, etc. The board of directors takes care of policy decisions. Managing director is responsible to implement the policy decisions and also take care of day-to-day activities. Right? Management किसके through होता है? Board of directors के through होता है. Board of directors में ये सब eminent personality, prominent industrial experts, celebrities, professionals, etc. Right? और जो भी day-to-day activities होती है वो सब board of directors है, वो सब उसका ख्याल रखते हैं और उसमें कोई problem ना हो वो सब वो देखते हैं. ठीक है? Then answerable to parliament or legislative assembly. As periodical report has to be submitted to the parliament or legislative assembly, corporation is unable to earn extra profit at the cost of the public. As such, parliament and legislative assembly has control over these public corporations. Now, government companies. Government companies, the establishment and organization of a government company is done on the basis of Companies Act. According to the Companies Act, the objective of government company is pure business and they compete with private companies. According to Indian Companies Act, government companies are those which have government's contribution, at least 51% in the capital. Government capital is that which is contributed by either the central government or state government or both or by one or more than one state governments.
Right? Hence, the government can exercise its control and supremacy on government company. The shares of government in government company are in the name of the President of India, as the government is the single largest shareholder in these companies. It has maximum control, and hence such a company is known as government company. Okay? Getting all of you? I think it is clear, all of you. Now, the features of government companies. First one is establishment. The companies are set up according to the Indian Companies Act. Second one is separate identity. The government company has legal identity, hence it can sue or can be sued as individuals in the court of law. It can own property or enter into any contract with any individual. ये टॉपिक आप ऑलरेडी SPCC में चैप्टर थर्ड में इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी में पढ़ चुके हैं कि कंपनी की एक खुद की आइडेंटिटी होती है, राइट? देन थर्ड वन इज कैपिटल. गवर्नमेंट ओन्स एटलीस्ट 51% शेयर कैपिटल ऑफ दिस कंपनीज. फोर्थ वन इज मैनेजमेंट. द मैनेजमेंट ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी इज एज पर द गाइडलाइंस ऑफ द कंपनीज एक्ट. फिफ्थ इज अपॉइंटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज. द एम्प्लॉइज ऑफ दिस कंपनीज आर अपॉइंटेड ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द ईच कंपनी. Sixth is appointment of members. For the maintenance of accounts and rules of audit, government companies are exempted from the rules and regulations of the Companies Act, but the government appoints auditors who submit annual report in the Parliament or Legislative Assembly. Then eighth is arrangement of capital. Government companies accumulate capital from the shares issued to government and private shareholders as per requirement. It can sell shares to the private individuals to according to the requirement. Last one is policy decisions. The policy decisions of the government companies are taken by the respective ministers. Government of enterprises. Now, the comparison of government enterprises on the basis of first one is establishment. In government department, through establishment, किसके through होता है? Government department के through होता है. In public corporation, special act of the parliament or legislative assembly. In government companies, by the government according to the provisions of Companies Act. Second basis is legal identity. Does not have any separate identity from the government. But in public corporation, separate identity on the basis of law, and same in government companies. Third is favorable for which field? Public services and defense sectors are suitable in government department. For individual enterprise and public services is suitable in public corporations, and for industrial enterprise and foreign venture companies. Then capital acquisition and source of capital. In government department, allocation from government budget. In public corporation, capital investment by the government. In government companies, minimum 51% share investment by government. Fifth, working capital. Allocation from government budget. Government department में क्या होता है?
जो एलोकेशन होता है वो गवर्नमेंट के बजट में से होता है, राइट right? और कॉरपोरेशन में क्या होता है, इस पर रिक्वायरमेंट इट कैन रेज फंड। और गवर्नमेंट कंपनी इसमें क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ रिक्वायरमेंट इट कैन रेज फंड्स। सिक्स्थ रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिलेटेड मिनिस्टर ऑफ द डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी मिनिस्टर है उस डिपार्टमेंट का वो लेते हैं। फिर कॉरपोरेशन में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, कंपनीज में रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज विद पार्लियामेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली, सो वो दोनों सेम है। देन ऑटोनॉमी इन मैनेजमेंट, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट देर इज नो एनी ऑटोनॉमी, बट इन गवर्नमेंट कंपनी एंड कॉरपोरेशन ऑटोनॉमी एग्जिस्ट। एट्थ इज एम्प्लॉइज, इन गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एम्प्लॉइज आर कंसिडर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड हेंस गवर्नमेंट रूल्स हैव टू बी फॉलोड। इन कॉरपोरेशन नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड हेंस द सर्विस रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय द कॉरपोरेशन इटसेल्फ। देन गवर्नमेंट कंपनी नॉट गवर्नमेंट एम्प्लॉइज एंड हेंस द सर्विस रूल्स कैन बी फ्रेम्ड बाय कंपनी इटसेल्फ। देन नाइन्थ वन इज मैनेजमेंट और ऑपरेशन, यू कैन से द ऑफिसर्स ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज टेक केयर ऑफ मैनेजमेंट, बट इन कॉरपोरेशन द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजिंग डायरेक्टर्स टेक केयर ऑफ मैनेजमेंट एंड दे आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। एंड इन गवर्नमेंट कंपनी गवर्नमेंट अपॉइंट्स एमिनेंट पर्सनैलिटीज एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लास्ट वन इज कंट्रोल, चेंजिंग ऑफ पब्लिक एंटरप्राइज। In government department, direct control of the minister of concerned department and in corporation, parliament or legislative assembly has a direct control and in government company, related ministry has control. Now, there are some examples. Departmental undertaking means government department, postal and telegraph, railways, All India Radio, Doordarshan, ordnance, factories means defense factories, then statutory corporation ke example, food corporation of India that is FCI, industrial finance corporation of India, then life insurance corporation of India, then unit trust of India. यूनिट ट्रस्ट मीन्स ये वन टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड है जो म्यूचुअल फंड की तरह एक काम करता है कि किसी से कम इंटरेस्ट में पैसे लेकर ज्यादा इंटरेस्ट में किसी को पैसे इन्वेस्ट करता है, राइट। देन स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन, सो दिस आर एग्जांपल ऑफ कॉरपोरेशन। देन गवर्नमेंट कंपनी, हिंदुस्तान मशीन्स टूल्स लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। चैप्टर 7 पार्ट 1 इज ओवर, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर विद पार्ट 2। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड एंड एंजॉयड वेल। थैंक यू।